दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से कई तरह की परेशानियां होने लगी हैं शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं तो ऐसे में इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी चीज़ें आपने खानी है अपने डाइट में शामिल करनी है जिससे कि आपकी कमज़ोर हुई हड्डियाँ हमेशा के लिए मजबूत हो सके और इसी के साथ आपका जो बुढ़ापा है वो जल्दी से नज़र ना आए देखिए दोस्तों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियाँ का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं पैंतीस साल की उम्र में उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है जिसका असर हड्डियों और दांतों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है बोन हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हड्डियों में होने वाला दर्द जैसे कि गठिया अर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं तो इससे बचने के लिए इन जैसी ख़तरनाक बीमारियों के ख़तरे को दूर करने के लिए आपको अपनी हड्डियों को हड्डियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए बच्चों की हड्डियों के सही विकास के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है इसके अलावा कई बार गलत खानपान की आदतों की वजह से गलत लाइफ लाइफस्टाइल की वजह से लाइफस्टाइल का मतलब ये कि जैसे कि आज का आज के टाइम में जिस तरह से लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने लग गए हैं तो इसी वजह से जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाती हैं अगर हड्डियों को मज़बूत बनाना है तो कुछ आदतों से आपको दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिनको आपने अपने जीवन शैली में शामिल करनी है तो दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कुछ घरेलू उपाय अपने आहार में ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू बादाम अखरोट और किशमिश शामिल ज़रूर करें इनमें कैल्शियम और पोटाशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम के लिए आप खाने में गुड़ ज़रूर शामिल करें गुड़ खाने से शरीर को कैल्शियम और आयरन दोनों मिलते हैं खट्टे फलों में विटामिन सी विटामिन डी और कैल्शियम काफ़ी होता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अपनी डाइट में संतरा और दूसरे खट्टे फलों को जरूर शामिल करें अंडा अंडे में भी सबसे ज़रूरी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं रोज एक अंडा खाने से आपको आपकी बोन हेल्थ भी अच्छी रहती है अंडे में प्रोटीन विटामिन डी और कैल्शियम भी पाया जाता है हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए हरी सब्जियां जरूर खाएं बीन्स को सब्जियों में ज़रूर शामिल करें इनमें विटामिन ए सी के और फॉलिक एसिड भी होता है कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए आप खाने में चने भी शामिल कर सकते हैं भुने हुए काले चने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हड्डियों को मज़बूत बनाने के लिए डाइट में मशरूम भी शामिल कर सकते हैं मशरूम में कैल्शियम विटामिन डी विटामिन बी ट्वेल्व और दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो आपकी हड्डियों को आपकी बोन हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाते हैं खाने में डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें आप रोज़ दूध पिए दही खाएँ पनीर भी अपनी डाइट में शामिल करें रोज़ दूध पीने से हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मज़बूत बनती हैं तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपने अपने आहार में शामिल करना है इन सभी चीज़ों को अगर आप लगातार अपने डाइट में शामिल करेंगे तो भविष्य में फ्यूचर में कभी भी आपको हड्डियां कमज़ोर होने की टूटने की किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आएगी तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को तब तक के लिए दोस्तों विदा लेते हैं जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मैंने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी ऐसी वीडियोस शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद